हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश पवार और आप जुड़े हैं इस वक्त अलायंस आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम क्लास लेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स की, जिसमें कि आज हम शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है आपका, उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो ऐप कौन सा है। तो इस तरीके से आपके पास करंट अफेयर्स में सवाल पूछे जा सकते हैं, जितने भी उत्तराखंड के एग्ज़ाम हो रहे हैं, ग्रुप सी के या पीसीएस तक के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं करंट अफेयर्स से। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो ऐप कौन सा है। तो आपके पास पहला ऑप्शन है यूके रेडियो, दूसरा ऑप्शन है ओपी रेडियो, तीसरा ऑप्शन है ओहो रेडियो और चौथा ऑप्शन है डिजिटल रेडियो। तो थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शायद आपने इसका आंसर दे दिया होगा, उम्मीद ये करता हूँ। इसका सही आंसर अगर हम जाएँ तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, ओहो रेडियो। थोड़ा इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि क्या है ओहो रेडियो। पहले तो इसकी शुरुआत जो है आपके आरजे काव्या, आपने कई बार सुना होगा, रेड एफएम पे ये जो है अपना आरजे का काम करते हैं। इनका पूरा नाम है कविंद्र सिंह मेहता और इनके द्वारा जो है ये इस रेडियो की शुरुआत की गई है, जो कि डिजिटल रेडियो है, पहले उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो। और अगर हम थोड़ा सा कविंद्र सिंह मेहता के बारे में जाने तो इनको उत्तर का पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। भले ये क्वेश्चन, ये जो उत्तर का पुत्र है, कहीं भी पेपर में आने वाला तो नहीं है, पर अगर आगे बढ़ें तो अगर हम इस डिजिटल रेडियो स्टेशन की बात करें जो कि देहरादून से संचालित हो रहा है, इसका प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, ये किस क्षेत्र में काम करेगा, किस क्षेत्र का प्रसारण जो ये करेगा, तो इसमें सबसे पहला है रोजगार की शिक्षा। इसमें रोजगार की शिक्षा की बात करेंगे और साथ ही साथ कृषि की बात, यानी उत्तराखंड में किस प्रकार से कृषि हो रही है, और साथ ही साथ संस्कृति की और पर्यटन की भी बात इसमें होगी। और जो इसका उद्देश्य रखा गया है, यानी जो आपका उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन है जिसका नाम है ओहो रेडियो, उसका जो उद्देश्य है, एम है, वो है सोच लोकल और अप्रोच ग्लोबल। तो दोस्तों ये इसके बारे में इतना ही था। अगर आप थोड़ा चित्र भी देख, इसके इमेजेस देख सकते हैं, तो ये तो आपके कविंद्र सिंह मेहता है और ये कुछ इस तरीके का लोगो इनका रखा गया है आपका उत्तराखंड के पहले डिजिटल रेडियो यानी ओहो रेडियो का। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन हमें दिखता है वो है आपके पास इस तरीके से कि हाल ही में केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच साइंस सिटी परियोजना के निर्माण हेतु समझौता हुआ है और यह साइंस सिटी किस स्थान पर बनाई जाएगी। आपके पास ऑप्शन है, पहला हरिद्वार, दूसरा नैनीताल, तीसरा ऋषिकेश और चौथा ऑप्शन है देहरादून। तो आपको बताना है इसका आंसर। उम्मीद है ये जो सवाल है आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आ जाए। इसकी अगर हम परसेंट के हिसाब से जाएं, यानी प्रतिशत के हिसाब से जाएं कि कितना परसेंट चांस है इस क्वेश्चन के आने के, तो लगभग मान के चले 40-50% चांसेस क्वेश्चन के आने के बन सकते हैं इस बार आने वाले आगामी जितने भी पेपर हैं आपके ग्रुप सी के उत्तराखंड के। तो इसका आंसर आपको बताना है, थोड़ा वीडियो पॉज आप कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर आप राइट कर सकते हैं। अब इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं और इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर है आपका देहरादून। तो अगर आप एक चित्र देख पा रहे हैं, एक इमेज देख पा रहे हैं, जिसमें नेशनल साइंस सेंटर, आपको पता होगा कि पूरे भारतवर्ष में हर राज्य में जो है इस तरीके से इस प्रकार जो है नेशनल साइंस सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें साइंस के जितने भी इनोवेशन नवाचार हैं उन पर जो है रिसर्च की जाएगी। और अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो ये कहाँ है, देहरादून के झाझरा स्थित विज्ञान धाम, वहाँ पर जो है साइंस सिटी विकसित की जा रही है। और लगभग अगर इसका बजट की बात करें तो 173 करोड़ जो इसकी लागत होगी और लगभग 88 करोड़ जो बजट होगा वो केंद्र सरकार देगी और 85 करोड़ जो बजट होगा उस राज्य सरकार जो है इसमें वहन करेगी। आने वाले जो पेपर होंगे हमारे आपके वीडियो के हैं, यूके ट्रिपल एसएससी के, एसएससी के जितने भी पेपर होंगे, थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। और अगर वो यहाँ तक जाता है तो थोड़ा सा इस, अगर ज़्यादा डीप चला जाता तो शायद इस तरीके से बजट पूछ पाए। अभी तक तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत कम आए हैं। उम्मीद करते हैं सिर्फ इतना ही आपसे पूछे कि जो आपका विज्ञान जो साइंस सिटी है वो कहाँ विकसित की जा रही है, तो वो जो है आपका आंसर सही होगा देहरादून। अब अगले सवाल की ओर बढ़ें और अगला क्वेश्चन जो हमें दिखता है कि उत्तराखंड सरकार निम्न में से किसे स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के तौर पर विकसित कर रही है। तो इसका जवाब आपको देना है। ऑप्शन आपके पास हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार और मसूरी। तो थोड़ा सा आप इस को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब इसके आंसर की ओर अगर हम बढ़े तो इसका आंसर हमें क्या मिलता है, इसका आंसर है आपका
बद्रीनाथ, यानी जो कि चमोली ज़िले में है। और थोड़ा सा बद्रीनाथ को कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि बद्रीनाथ धाम हमारे लिए पेपरों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन इससे पहले पूछे जा चुके हैं। अभी आपको पता होगा कि इससे पहले कुछ पेपरों में पूछा गया था कि ये कितने भागों में बटा है आपका बद्रीनाथ धाम, और इसकी शैली पूछी जाती जो कि इसकी मुगल शैली में ये मंदिर बना है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमें थोड़ा ध्यान देना होगा इस प्रकार के, जब भी धाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो इसका आंसर हमें मिलता है बद्रीनाथ। अगली और अगली तरफ अगर हम बढ़ें और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमें क्या मिलता है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत देहरादून में कौन सी योजना की शुरुआत की है। तो इसका आंसर आपको देना है। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, स्मार्ट दून योजना, सदैव दून योजना, तीसरा ऑप्शन है दून स्मार्ट योजना, और चौथा ऑप्शन है स्मार्ट सिटी दून। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अभी लिख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर आपको बताते हैं। इसका आंसर है आपका सदैव दून योजना। जैसे कि आपको पता है कि भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है स्मार्ट सिटी परियोजना, उसके तहत देहरादून जो कि हमारा उत्तराखंड की राजधानी भी है तो उसको भी इसके तहत चुना गया है। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा मिशन की बात करें, स्मार्ट सिटी जो मिशन है इसकी क्या रणनीति है, तो इसमें क्या है कि पूरे शहर के लिए पहल जिसमें कम से कम एक स्मार्ट समाधान शहर भर में लागू किया जाए, यानी जो भी जानकारी आपको शहर के बारे में चाहिए तो एक पोर्टल के माध्यम से भी आपको मिल सकती है और सारी सुविधाएं हमें स्मार्ट सिटी के तहत मिल पाएगी। और आपको क्या मिलता है इसमें, इसमें हमें और मिलता है रेट्रोफिटिंग और पुनर्विकास और हरित क्षेत्र, जो कि अभी आपको पता होगा पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत से कार्य किए जा रहे हैं, उसके तहत जो है हमें स्मार्ट सिटी मिशन भी उसके अंतर्गत लाया गया है। तो थोड़ा इस पर हमें और अच्छे से पढ़ना है। आप सभी स्मार्ट सिटी मिशन को एक बार खुद से प्रयास करके भी पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा अगला क्वेश्चन आज है कि देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के समूह घा में कई बार पूछे जा चुके हैं। आपको इसका आंसर डायरेक्ट अगर याद होता है, इसके लिए आपको कुछ अलग ट्रिक्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका डायरेक्ट आपको आंसर शायद रटना पड़ सकता है। तो इसका आंसर, इसके ऑप्शन की तरफ हम देखें तो पहला ऑप्शन है मेरठ, दूसरा ऑप्शन है कानपुर, तीसरा ऑप्शन है देहरादून और चौथा ऑप्शन है चंडीगढ़। तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर हम इसके आंसर की ओर पहुँचें तो इसका आंसर हमें मिलता है, इसका आंसर है आपका कानपुर, यानी आपका देश का पहला चमड़ा पार्क जो स्थापित किया जा रहा है वो किया जा रहा है आपका कानपुर में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करंट अफेयर्स में था। तो इस तरीके से आपके लिए ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लगातार हम आते रहेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण जो अति महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको हम इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।